एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सिंपल किचन। इंडियन सिंपल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्राइड राइस रेसिपी। यहाँ पे हम लेफ्ट ओवर राइस से फ्राइड राइस बनाने वाले हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में फ्राइड राइस बना सकते हैं, वो भी बचे हुए चावलों के साथ में। तो इससे बेस्ट बचे हुए चावलों का यूज़ कहीं नहीं होने वाला है गाइस। तो इस तरीके से एक बार बचे हुए चावल से फ्राइड राइस ज़रूर बनाएं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है बनाने का, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। तो इस रेसिपी को बनाया कैसे जाता है आज हम इस वीडियो में ज़रूर जानने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने किचन की तरफ और जानते हैं इस प्यारी सी या बिल्कुल टेस्टी सी रेसिपी का राज। तो फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गैस पर रख दी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब डाल दिया है सरसों का तेल। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मैंने इसमें डाल दिया है जीरा, साबुत जीरा जिसे चटकने देते हैं। साबुत जीरा के साथ साथ ही एक साबुत सूखी लाल मिर्च भी डाल दी है। दोनों चीज़ों से एक सौंधी सी खुशबू आ जानी चाहिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो ऑयल से आने लगी है बहुत ही अच्छी सी खुशबू, मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। प्याज को बिल्कुल धीमी आंच में हमें फ्राई कर लेना है, थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाने देते हैं। साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूँगी अदरक और लहसुन। तो अदरक लहसुन को हमें बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है, इसका पेस्ट इसमें नहीं डालना है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 से 4 कलियाँ ले ली हैं लहसुन की, जिसे बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ ही साथ एक अदरक का टुकड़ा है, उसे भी बिल्कुल बारीक काट लिया है। तो अदरक और लहसुन को भी हमें प्याज के साथ में अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो बिल्कुल धीमी आंच में भूनते हुए प्याज जो है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है गाइस, और साथ ही साथ इसमें अदरक लहसुन भी फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी मटर और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च मैंने यहाँ पे 2 ले ली है, 2 से 3 हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे हरे मटर के दाने ले लिए हैं, और उबला हुआ आलू मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप चाहे उबले हुए आलू की जगह पे पनीर भी यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को कट कर लिया है, इसे भी बिल्कुल हमें धीमी आंच में फ्राई कर लेना है। थोड़े से मसाले हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं ताकि काफ़ी स्पाइसी बन जाइए। तो मैंने इसमें डाल दिया है रेड चिली पाउडर, 1 टी स्पून रेड चिली पाउडर मैंने यहाँ पे डाल दिया है। 1 टी स्पून ही काले मिर्च पाउडर भी डाल देंगे, तो 1 टी स्पून काले मिर्च भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं गाइस। अच्छे से मिक्स करने के बाद में हमें इसे बिल्कुल धीमी आंच में 1 मिनट तक पका लेना है। तो 1 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं। मैंने इसमें मसालों में फिर से डाल दिया है 1 टी स्पून जीरा पाउडर, जिससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है गाइस। तो इन सब स्पाइसेस के साथ हम फ्राइड राइस बनाने वाले हैं, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इसका। एंड फाइनली मैंने यहाँ पे टमाटर को डाल दिया है। टमाटर को भी मैंने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। टमाटर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। तो आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी राइस। तो ये लेफ़्ट ओवर राइस है गाइस, जब भी आपके घर पर चावल बच जाए तो इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी डाल दिया है। नमक को डालने के बाद में हमें बिल्कुल इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने इसे मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं फ्राइड राइस बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा। मैंने इसमें धनिया भी डाल दिया है, हरा धनिया ऊपर से गार्निश कर दें, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से। आप चाहें तो लेमन जूस भी इसके ऊपर में डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर लेमन जूस का इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसे। तो फ्राइड राइस बचे हुए चावले से हमारा तैयार हो चुका है। एक बार घर पर से ज़रूर ट्राई करें। बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट के लिए हमें इसे बिल्कुल हाई फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लेना है। फाइनली फ्राइड राइस जो है बिल्कुल रेडी हो जाता है, तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती इसे बनाने में। तो एक बार रेस्टोरेंट स्टाइल वाला ये फ्राइड राइस ज़रूर घर पर ट्राई करें। काफ़ी अच्छा सा टेस्ट आता है खड़े खड़े मसालों का, बहुत ही यम्मी भी लग रहा है देखने में। तो इसे ज़रूर ट्राई करें घर पे। तो ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं, ज़रूर इंजॉय करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपने इसे किस तरीके से बनाया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, जिससे आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन काफ़ी इजीली मिल जाएगी। तो मिलती हूँ आपके साथ में ऐसी ही आसान सी या बिल्कुल घरेलू सी रेसिपी को लेकर के। टिल देन, बाय बाय गाइज़।